हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश विथ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द आरडी शर्मा, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 18. ओके, क्वेश्चन इज अ मेशन हैज़ टू फिट अ बाथरूम विथ स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज. द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 feet by 8 feet. वॉट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड दैट has to be cut and how many such tiles are required. Okay friends, तो ये जो question है, इस question में हमको given है the size of bathroom, size of bathroom जो है 10 feet by 8 feet. ओके, और जो हमको आंसर लेकर आना है वो लाना है इंचेस में. ठीक है, तो हम इस फिट को पहले इंच में कन्वर्ट करते हैं. हमको पता है कि 1 feet is equal to 12 inches. ओके, तो हम इस 10 में अगर 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो 10 फिट है वो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा और 8 फिट जो है वो भी इंच में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 10 into 12 का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो फिट में था वो अब कन्वर्ट हो गया इंच में बाय 8 into 12 inch. ओके, हमने 12 का मल्टीप्लिकेशन किस लिए किया, क्योंकि हमको पहले दोनों ही यूनिट को सेम बनानी हो और ओवरऑल जो आंसर है हमको वो इंचेस में देना है फाइनली, राइट. तो 12 tens are 120 inches by 8 12s are 96 inches. ओके, तो जो बाथरूम है उसका साइज 12 inches by 96 inches है, राइट. तो जो रिक्वायर्ड बाथरूम का साइज है इंचेस में 120 inch by 96 inch. हमने एक ऐसा समझने के लिए रफली डायग्राम बना लिया, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने एक डायग्राम बना लिया कि टाइल्स जो कि हमको एक स्क्वायर शेप के चाहिए वो किस तरह इसमें लगेंगे. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया, इस एरिया को वो नंबर ऑफ टाइल्स जो होंगे वो कवर कर लेंगे. ठीक है, तो हमको फाइनली इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है. ओके, द लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल्स required is equal to the HCF of 120 and 96, right. So by applying Euclid's division lemma, ओके, तो 120 इज ग्रेटर देन 96. तो हम यहाँ साइड वर्क कर लेते हैं, हमको 120 को डिवाइड करना होगा 96 से. तो 96 वन जा 96, इनको सबट्रैक्ट किया 24, LCM, सॉरी जो हमारा रिमाइंडर है वो अभी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. तो अगेन हमने इसको डिवाइड किया 96 को 24 से, क्योंकि 96 यहाँ बड़ा है. तो 24 4 जा 96, और इस केस में रिमाइंडर आ गया ज़ीरो. ओके, तो इन स्टेप्स को हम यहाँ लिख लेते हैं. हमने पहले 120 को कैलकुलेट किया. 120 इज इक्वल टू 96 इंटू 1 प्लस ऑफ 24. ओके, देन 96 को कैलकुलेट किया, 96 इज इक्वल टू 24 4 जा 96, और हमको रिमाइंडर मिला ज़ीरो. तो लास्ट जो डिविडेंट होता है वही हमारा HCF होता है. देयरफोर HCF जो आया हमारा वो है 24.
तो जो लार्जेस्ट साइज होगा टाइल्स का वो 24x24 का होगा। देयरफॉर लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज 24 inches। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और हमको साथ साथ इस क्वेश्चन में बताना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने चाहिए। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स इज इक्वल टू जो इसका एरिया हो, इसका एरिया लेंथ और हाइट की हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो 120 × 96, ओके, जो कि इक्वल होगा 24 बाय 24। हमको 24 बाय 24 जो साइज़ है, स्क्वायर साइज, इस साइज़ का हमको टाइल्स चाहिए। तो डिवाइड किया हमने 24 को 120 से, तो ये 5 टाइम कैंसिल हुआ। 24 × 5 = 120 × 96 को 24 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, ठीक है। 24 × 4 = 96, तो 5 × 4 = हमको टोटल 20 टाइल्स लगेंगे इस कंप्लीट एरिया को कवर करने के लिए। तो ऐसे 20 20 के स्क्वायर शेप के हमको टाइल्स की ज़रूरत होगी, जिसका साइज़ होगा 24 बाय 24, राइट। तो इस तरीके की जो टाइल्स होंगे, नंबर ऑफ टाइल्स 20 होंगे, जो कि इस पूरे कंप्लीट रीजन को कवर कर लेंगे, राइट। तो हमारा आंसर इज 24 और टाइल्स का साइज 24 बाय 24, ओके, क्लियर है? क्वेश्चंस नोट कर लीजिए।